जाएगा, बट कार्निवल गेमिंग नियो ये नहीं चाहते कि रेवन ईस्पोर्ट्स अंदर आए, और सिर्फ रेवन तो शिकार नहीं बनेंगे, उनके साथ काफी डीएम भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है। 10 फिनिशेस ऑलरेडी इन्होंने निकाल रखा है गॉबलिन को, हालांकि गवाया जरूर था, बट ये तीन खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं। आज गॉबलिन नहीं, आज हेक्टर है इंपॉर्टेंट इंपैक्ट प्लेयर, हेक्टर बने हुए शॉट्स उनके ऊपर आए, खुद को सेफ रखने की कोशिश, ऐसे में एसपावर और नियो की तरफ से कवर फायर आना बहुत ज्यादा जरूरी। कार्निवल उनके सामने कार्पे डीएम, एक दूसरे के साथ फाइट लेने की पूरी कोशिश, क्योंकि जोन के अंदर एंट्री मारनी है। 3 सेकंड और ये 15 मीटर का फासला है, ये सर्कल खाने लगेगा, 5वां ये जोन है, कुछ भी करके आगे मूव करना है कार्पे डीएम को। इस पावर बिल्कुल सामने आकर के फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, फियर्स की तरफ से नियो को टेक डाउन किया जाएगा, एक ग्रेनेड, लेकिन अभी भी इस पावर के हित में ये फाइट जा सकती है। नियो को रिवाइवल देना बहुत ज्यादा जरूरी, और जो नॉक्स है वो फिनिशेस उठाएंगे इस पावर, 5 फिनिशेस, एक अलग डोमिनेशन पर ये सुपर पावर चलता हुआ। फाइनली वो इस पावर इनकी गूंज सुनाई देती हुई मिरामार के इस रेगिस्तान के अंदर, अब फाइट लेना चाहते पुकार के खिलाफ। द इंपैक्ट प्लेयर एचपी काफी ज्यादा कम, एस पावर बेबाक अंदाज से उनके ऊपर पुश भी करेंगे और ये फिनिश भी उठाएंगे, और इसी के साथ कापे डीएम इनका सफर इस गेम में खत्म होता हुआ। बट सवाल यही है, क्या वो बाउंटी कार्निवल गेमिंग के हाथों आया, क्योंकि 13 फिनिशेस देखने को मिल रहे, मतलब एक फिनिश कहीं ना कहीं किसी और ने चुरा लिया, और इसी ठीक बीचों बीच टीम फॉरएवर ने बाहर किया टीम रेवनेट को। 14 फिनिशेस एस पावर की टीम के, रुद्र का वो रौद्र गेम प्ले देखने को मिलता हुआ जिसके लिए एस पावर जाने जाते रहे हैं। एक रैम्पेज पर हेक्टर भी आ चुके हैं। कार्निवल कल के चिकन में जो कमी रह गई थी आज परोसने की कोशिश है, लेकिन उनकी पोजीशन के बारे में शायद से वाकिफ नहीं है खिलाड़ी, बट फाइनली हेक्टर को पता चल चुका है, भांप लिया है उन्होंने एम गॉड के, और गुम के ऊपर अब चार्जिंग करेंगे, बट स्टिल एम गॉड होल्डिंग द फोर्ट स्ट्रॉन्ग, एक नॉक तो निकाला है, क्या फॉलो अप आ पाएगा। अब फाइट लेते हुए हेक्टर के खिलाफ, दोनों इंपैक्ट प्लेयर्स, दोनों तबाही हैं, बट एम गॉड स्टिल रूलिंग। हेक्टर को बीच में वेपन नहीं बदलना चाहिए था, उनके पास यूएमपी थी मैं मानता हूं, लेकिन उससे वेपन बदलने की जो एनिमेशन थी उसके अंदर वो आकर के फंस गया। बट दूसरे कोने में एसपावर अभी भी फाइट लेने की कोशिश, टीम को जीवित रखने की कोशिश, 7 फिनिशेस इस खिलाड़ी के पास, M4 या फिर DBS लेकर के आगे जाएंगे, लेकिन इंस्टेंटली मैंटी शटिंग हिम डाउन।